पलटी मार हैं, वो पलटी मार मार के 15 साल बेमिसाल बनाए हैं, उपलब्धियों के पुल बांधे जा रहे हैं। उनके पास एकमात्र उपलब्धि है बिहार में भ्रष्टाचार। 15 साल जनता का हुआ बुरा हाल, 15 साल में जनता का बुरा हाल हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। लगभग 4 साल बाद राजद के प्रदेश कार्यालय में लालू प्रसाद यादव का आगमन होगा और ये दिन होगा जब लालू प्रसाद यादव राजद के चुनाव चिन्ह यानी लालटेन का उद्घाटन करेंगे। राजद कार्यालय में 6 टन का लालटेन लगा है जिसका उद्घाटन आज करेंगे लालू प्रसाद यादव। एक तरफ जदयू कार्यालय में 15 साल बेमिसाल उपलब्धि के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद कार्यालय में लालटेन का उद्घाटन किया जाएगा। 6 टन का लालटेन होगा, लालू प्रसाद यादव उद्घाटन करेंगे। एक तरफ जदयू में कार्यक्रम किया जा रहा है 15 साल बेमिसाल, वहीं दूसरी तरफ आपके यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, लालटेन का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या भारी पड़ेगा तीर पर लालटेन? लालटेन का कोई जोर है? लालटेन रोशनी देता है, लालटेन शिक्षा की रोशनी देता है, लालटेन से पूरा चमकता है। तीर तो किसी को मारने का काम करता है, तीर चुभोने का काम किया जाता है। लालटेन से रोशनी मिलती है, जो लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है, लोग तीर के युग में कहाँ जाएगा? लोग जदयू कहती है कि लालटेन युग गया अब। अरे तीर युग तो कब का खत्म हो गया? तीर आज कहाँ तीर का प्रयोग होता है? तीर का कहीं प्रयोग, ये तीर को क्या बोलता है, अजायब घर है ना, तीर को अजायब घर में रखने का जगह है, तीर को रोड पर चलाने का जगह थोड़ा है। तीर अब चलने वाला नहीं है, नीतीश कुमार की सब चीज़ खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को नैतिक अधिकार ही नहीं है। 15 साल बेमिसाल वाले उपलब्ध, 15 साल जनता का हुआ बुरा हाल, 15 साल में जनता का बुरा हाल हो गया और नीतीश कुमार को कोई भी उत्सव मनाने का हक नहीं है। नीतीश कुमार को कोई भी उत्सव मनाने का हक नहीं है, ये हक किसने छीना? ये हक जनता ने छीना, तीसरे नंबर की पार्टी पर ला करके जनता ने उन्हें छीन लिया। तो देखिए, 3-4 साल बाद लालू प्रसाद यादव आएंगे राजद कार्यालय में और उद्घाटन करेंगे लालटेन का। बता दे कि लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे, बीमार चल रहे थे, उसके बाद उपचुनाव में वो बिहार आए थे, फिर CBI के विशेष कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव आए और आज राजद कार्यालय पहुंचेंगे, 6 टन के लालटेन का उद्घाटन करेंगे। क्या लगता है तीर पे भारी पड़ेगा लालटेन? देखिए, तीर पर तो हमेशा भारी पड़ा है लालटेन, और लालटेन के नेतृत्वकर्ता विचारों से ओतप्रोत हैं और जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है उस पर हमेशा अडिग रहे हैं। जो पलटी मार हैं वो पलटी मार मार के 15 साल बेमिसाल बनाए हैं, उपलब्धियों के पुल बांधे जा रहे हैं। उनके पास एकमात्र उपलब्धि है बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में विकास के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य, और जो बिहार का सूचकांक है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर है भारत में। ये विडंबना है बिहार के लिए और ये उसको बेमिसाल बता रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार को लूटने वाले, बिहार में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देने वाले, बिहार में विकास के नाम पर जो अपना आडंबर खड़ा किए हैं उसका आज पोल खुलेगा। इस लालटेन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विचारों से जो घर घर तक पहुंचाने का काम किए उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। जदयू हमेशा ये कहती है कि लालटेन युग अब खत्म हो गया है और दूसरी तरफ आप 6 टन के लालटेन का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, बिजली युग में तो ये गरीबों के घर तक बिजली ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं, इतना महंगा बिजली कर दिए हैं कि गरीब एफर्ट ही नहीं कर रहा है कि बिजली जलाए। तो गरीब चाहता है कि लालटेन की रोशनी में अपने बच्चों का भविष्य बनाए और गरीबों के घर में आज भी लालटेन ही सबसे बड़ा साधन है रोशनी का। इसलिए जो बिजली की बात करते हैं वो पहले ये बताएं कि बिजली के माध्यम से बिहार को लूटने का काम क्यों कर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर बिजली का रेट है तो वो बिहार में है। चलिए, तो 6 टन के लालटेन का उद्घाटन होगा, लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुँचेंगे, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे के वक्त मिला है, लालू प्रसाद यादव यहाँ आएंगे और लालटेन का उद्घाटन करेंगे। 6 टन के लालटेन का उद्घाटन होगा, राजद कार्यालय की तस्वीर है,
गेट पर अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव आएंगे, ये ताला खुलेगा और अंदर जाएंगे लालू प्रसाद यादव और 6 टन के लालटेन का उद्घाटन करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता प्रवक्ता जो है वो बाहर खड़े हैं लालू प्रसाद यादव के इंतजार में। लालू प्रसाद यादव थोड़ी ही देर में यहाँ पर आएंगे और 6 टन के लालटेन का उद्घाटन करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जदयू कार्यालय में 15 साल बेमिसाल का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भाड़ी कौन पड़ेगा, राजद या जदयू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC24।